हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना क्लैश ऑफ क्लैंस का गेम प्ले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर एक गेम्स वाली फोल्डर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस की आइकन है। अब मैं इसे खोलूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये गेम लोड हो रही है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हर समय बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे विलेज को किसी ने अटैक कर लिया है और मेरा स्कोर -5 हो गया है। यहाँ पर मुझे गोल्ड और एलेक्सार मिल रहे हैं। देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा रैंक 7 है। मेरे बहुत सारी चीज़ इधर अनलॉक हुए हैं, डिफेंसेस भी, और टाउन लेवल 3 है। थर्मल लेबोरेटरी लगा सकता हूँ, मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं गोल्ड स्टोरेज लगा सकता हूँ। मुझे 300 एलेक्सार चाहिए, मेरे पास 7026 एलेक्सार है। डिफेंसेस में मैं वॉल भी लगा सकता हूँ, मोर्टार भी लगा सकता हूँ और मैं ट्रैप्स में बॉम्ब लगा सकता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्मी में मैं लेबोरेटरी लगा सकता हूँ, रिसोर्सेस में बिल्डर सेट और गोल्ड, लेकिन बिल्डर सेट के लिए मेरे पास उतने डायमंड्स नहीं हैं। आर्मी में भी मेरे पास लेबोरेटरी के लिए उतने एलेक्सार्स नहीं हैं। डिफेंसेस में मैं वॉल और मोर्टार लगा सकता हूँ, दोनों के लिए मेरे पास 50 कॉइन्स भी है और 8000 कॉइन्स भी है। रिसोर्सेस में मैं गोल्ड स्टोरेज लगा सकता हूँ 300 एलेक्सार से, और ट्रैप्स में मैं बॉम्ब 400 कॉइन्स से लगा सकता हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने विलेज में क्या लगाऊँ। फ़िलहाल के लिए मैं अभी मोर्टार लगा रहा हूँ अपने विलेज में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे अभी नेक्स्ट क्या लगानी चाहिए। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि मोर्टार का सही जगह लगाने का क्या हो सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मोर्टार को लगने में तो 2 hours 59 minutes लगेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल, तो आप ये भी देख सकते हैं इधर मेरा क्लैन कैसल है। इसमें मेरी ट्रेजरी आई है, इसे मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। इधर मेरे पास जेम बॉक्स भी है। तो दोस्तों, मैं सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरा गोल्ड और एलेक्सार दोनों लूट काट में बच गया है। गोल्ड 127 बचा है और एलेक्सार 5072 बच गए हैं। दोस्तों, मेरे पास और स्पेस नहीं है। क्लैन कैसल से भी मैं ट्रेजरी कलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोरेज स्पेस नहीं है दोस्तों मेरे पास। चलिए तो जेम्स कलेक्ट किया जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डर आ रहा है। यह है मेरा बिल्डर, ये अच्छे से काम करता है। यह जेम बॉक्स को हटाने में लगा हुआ है। और जैसे ही ये जेम बॉक्स हट जाएगा, मुझे 25 जेम्स मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, 3 2 1 और मिल गए मुझे 25 जेम्स। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने अपना पूरा विलेज दिखा दिया है। यह मेरा क्लैन कैसल जो कि लेवल 1 का है। यह मेरा आर्मी कैंप लेवल 2 का। यह मेरा आर्मी कैंप है लेवल 1 का।
ये मैं मोटर लगा रहा हूँ लेवल 1 का, लग जाएगी 2 आवर 58 मिनट्स में। टाउन हॉल है मेरा लेवल 3, एलेक्सार कलेक्टर है मेरा लेवल 2, कैनन है मेरा लेवल 1, ये वाला एलेक्सार स्टोरेज है मेरा लेवल 1, ये वाला बैरक्स है मेरा लेवल 1, ये वाला गोल्ड माइन है मेरा लेवल 4, ये वाला एलेक्सार स्टोरेज है मेरा लेवल 3, और मेरे पास 2 बिल्डर सेट है। ये वाला एलेक्सार कलेक्टर है मेरा लेवल 1 का, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये वाला एलेक्सार कलेक्टर है मेरा लेवल 4 का, ये वाला गोल्ड माइन है मेरा लेवल 1 का। मेरे पास एक आर्चर टावर भी है दोस्तों लेवल 1 का, एक कैनन भी है दोस्तों लेवल 3 का, गोल्ड स्टोरेज मेरा फुल है दोस्तों लेवल 3 का, और बैरक्स है दोस्तों मेरा लेवल 5 का। तो चलिए गोल्ड स्टोरेज को बढ़ाया जाए। 3000 एलेक्सार चाहिए मुझे और मैंने लगा दिया है। चलिए गोल्ड कुछ कलेक्ट किए जाए। ओ अभी तो टाइम लगेगा, 59 मिनट और मान के चलिए 1 मिनट, अभी मान के चलिए कि 1 घंटे अभी टाइम लगेंगे ये एलेक्सार स्टोरेज को अपग्रेड होने में। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, दोस्तों मैं एक ट्रुप मैं ट्रुप्स ट्रेन कर लेता हूँ, जाइंट्स ट्रेन करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बारबेरियंस हैं, आर्चर्स हैं, गॉबलिन्स हैं, और अभी वॉल ब्रेकर बचा है। जाइंट्स को मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया है और एक वॉल ब्रेकर को भी डाल देता हूँ, 2 वॉल ब्रेकर नहीं, एक को माइनस कर देता हूँ, एक गॉबलिन को डाल देता हूँ और एक और गॉबलिन को डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अटैक करते हुए दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रंक को रिमूव में डाल दिया है, और ये रिमूव होते ही मुझे 3 जेम्स मिल गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।